आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। जैसा कि आपको पता है बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पे प्रत्याशी जो अपनी कमर कस लिए हैं जीत के प्रति। चलिए यहाँ जो हम आए हुए हैं पठान भवानीपुर वार्ड नंबर 3 में, चलिए यहाँ के वार्ड सदस्य जो उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार पासवान। विकास को लेकर के बातचीत होनी है, आपने क्या क्या विकास किया नहीं किया वो आपको बताना है। जैसे कि नल जल योजना के तहत आपने कितने घरों में नल जल पहुंचाने का कार्य किया है वो बता दें। नल जल की जो काम हम किए हैं 150 घरों में कनेक्शन क्योंकि लग चुका है, जहाँ पानी सही तरह से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं है। आपके गांव में जितने भी बूढ़े हैं क्या उनका वृद्धा पेंशन आपने कार्य किया? जी, जो हमारे गांव में जितने भी 60 वर्ष के थे कम से कम, उनको लगता है इस बार नई उम्र में कम से कम 50 से 60 आदमी का पेंशन मिल रहा है, कोई बचा है तो अब आएंगे तो उनको मिलेगा, फिर से उनके पीछे परिश्रम करेंगे ताकि उनको मिल जाए। और सर विधवा पेंशन? विधवा पेंशन भी सर यहाँ लेकिन इस साल में उनको लगता है 15-20 लोगों का पास हुआ, उनको भी मिल रहा है। हरियाली योजना के तहत आपने कितने वृक्षारोपण का कार्य किया? सर हरियाली रोपण का जो कार्य इधर जीविका के माध्यम से कुछ हुआ है वो काम हम नहीं कर पाए, उनके जीविका के माध्यम से लेकिन 2 बार यहाँ पे पेड़ पौधा लगाने का कार्यक्रम चला क्योंकि ग्रामीणों ने लगाया है। आपका कुछ सहयोग रहा होगा? हाँ, मेरा भी सहयोग है, जब आप पेड़ आया उनके पीछे लग कर किसी तरह जनता के पास चला जाए और पेड़ को भी लगा ले ताकि उनका देख रेख करते रहे, सही ढंग से पौधा लग जाए। तो आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था भी सर हमारे यहाँ ठीक है लेकिन ये कोरोना का महामारी के चलते बने स्कूल बंद रहने के कारण सभी बच्चा है, अभी देखिएगा कभी ई गली में कभी ऊ गली में कोई भी रहता है, स्कूल जा ही रहा है। आंगनबाड़ी होगी सर आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी है। पढ़ाई होती है सर? सर आंगनबाड़ी में पढ़ाई तो करके सर जो होता है वहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं तो पढ़ाई तो ज़्यादातर नहीं हो पाता, लेकिन बच्चे को बैठाना बताना कुछ से कुछ मतलब जो होता है वहाँ से आंगनबाड़ी में शिक्षक आते हैं? शिक्षक आए मतलब कि शिक्षिका उसमें जो सेविका है वो आती है, वही बच्चे को बोलने के लिए बैठने के लिए कुछ से कुछ बताती है, वही बात इतना तो कम करें। वहाँ पे कुछ अनाज दिया जाता है बच्चों को महीना में वो मिलता है? कोरोना काल में आपने किस तरह से लोगों की मदद की? कोरोना काल में सबको मदद करने मास्क वगैरह मास्क का वितरण भी करवाए 2 बार, अगले बार जो कोरोना महामारी पहली बार आया था उसमें भी हमको लगता है कि सभी घर में मास्क मिला 5-5। साबुन सर? साबुन भी सब दिया गया था 2-2 साबुन करके। क्या आपने वैक्सीन लिया है? वैक्सीन ले लिया था। और कितने लोगों को उत्साहित किया वैक्सीन लेने के लिए? वैक्सीन सर हमारे वार्ड में जितना आ जाए हमको लगता है 95% आदमी वैक्सीन ले चुका है, 5% रह गया। क्या उनको आप प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं? सर उन लोगों का समस्या ये बहुत है कि बुरा आदमी किसी को हंसी है किसी को मतलब हार्ट का शिकायत जो वो जन्म लेने के लिए उनको तो डॉक्टर एक बीच में बोले थे जिनको दवाई मतलब चल रहा है उन आदमी को भी। आप इंदिरा आवास कितने लोगों का रहा है? सर इंदिरा आवास तो हमारे यहाँ लमसम 35 या 40 लोगों का मतलब। आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? जनता से मेरा सर एक ही अनुरोध है कि हम पिछले 5 वर्ष रह चुके हैं, अगर इस बार अगर हम आ जाएं तो अपना कार्य में कहीं काम करने में दिक्कत नहीं होगी और जो छूटा है सारा काम करके दिखाएं। क्या क्या कार्य से छूट गया है? तो थोड़ा थोड़ा जो गली रह गया है हमारे पास जो आया प्रशासन मतलब जो रकम आया वो रकम से वो पूरा नहीं हो पाया, मनरेगा के माध्यम से बहुत गली बना बहुत गली छूट गया, समय कम बचने के कारण ये कोरोना के चलते काम नहीं हो पाया और जो छूटा वो काम हो गया। आपका नाम सर? मेरा नाम लक्ष्मण राम है। कैसे हैं आपके वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य तो ठीक ठाक है, 5 साल में कार्य किए हैं। हाँ, 5 साल में जो सरकार की योजना चली वो तो अच्छी तरह वो योजना को चलाया, जैसे कि गली हो गया नली हो गया और
पेयजल के लिए सब काम मतलब हर घर में टूटी लगवाए। विशेष काम यही वार्ड सदस्य ने किया है। हाँ, क्या इनको अगली बार देखना चाहेंगे? एकदम एकदम क्रम के अनुसार करेंगे। क्रम के अनुसार तो इनको दोबारा लाना अनिवार्य है। और काम कर रहे हैं क्या? काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो 5 साल तक अच्छी तरह से। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।